वेलकम फ्रेंड्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक फार्मास्यूटिकल मेजर डीवी स्लैब के बारे में। डीवी स्लैब के जो चेयरमैन हैं वो डीवी मुरली कृष्णा प्रसाद हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल साफ सुथरा रहा है। इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को चेक करने के लिए हम screener.in पे चलते हैं। ये हमने screener.in का पेज ओपन कर लिया है। अब इसमें हम ये सर्च में जाके डीवी स्लैब टाइप कर लेते हैं। ये डीवी लेबोरेटरी का पेज ओपन हो गया है। अब इसमें हम फंडामेंटल के जो 7 पॉइंट्स हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल के 7 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है डेट टू इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी लेस देन 0.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन है, कोई उधारी नहीं है। अब इसमें दूसरा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है। तो ROE एंड ROC 20% से हायर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों पैरामीटर बहुत अच्छे से मीट कर रहा है। तो सेकेंड पैरामीटर भी मेरा मीट कर गया है। अब तीसरा पैरामीटर है PE रेशियो। तो PE रेशियो हमको ये बताता है कि शेयर का वैल्यूएशन क्या है, सस्ता है, महंगा है या फेयरली प्राइस्ड है। तो अगर आज के डेट में हम देखते हैं तो PE 56 है, जो ROE एंड ROC के रिस्पेक्ट में थोड़ा हायर है। तो इसमें अगर निवेश करना है तो इसमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि थोड़ा सा हम वेट करेंगे, उसके बाद ही इसमें निवेश करेंगे। अब चौथा पैरामीटर है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। अब पांचवा है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग 52% है। तो मेरा पांचवा पैरामीटर भी मीट कर रहा है। अब आते हैं छठवें पे। तो छठवा है प्रॉफिट एंड लॉस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट में हमको सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक होता है टॉप लाइन, टॉप लाइन मतलब सेल्स, ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए साल दर साल। और दूसरा होता है बॉटम लाइन, बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो इसमें हम सेल्स अगर देखें 5 साल पहले का, तो सेल्स 4,000 करोड़ के आसपास था और आज सेल्स जो है 7,500 करोड़ के आसपास है। तो सेल्स साल दर साल बढ़ते क्रम में है, मेरा टॉप लाइन ग्रोथ बढ़िया कंडीशन में है। अब दूसरा है नेट प्रॉफिट। तो 5 साल पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 1,000 करोड़ के आसपास था और ये बढ़ते हुए आज 2,100 करोड़ है, मतलब नेट प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ते क्रम में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट के हिसाब से मेरा टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों बढ़ते क्रम में है, मतलब मेरा छठवां क्राइटेरिया भी मीट कर जाता है इस कंपनी में। अब सातवां क्राइटेरिया है, सातवां क्राइटेरिया है बैलेंस शीट का। तो यहाँ से बैलेंस शीट पिकअप कर लिया। अब बैलेंस शीट में तीन चीज़ का ध्यान रखना है। पहला है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए। तो 5 साल पहले 2017 में अगर देखें तो शेयर कैपिटल 53 करोड़ का था और अभी भी ये शेयर कैपिटल 53 करोड़ है, मतलब मेरा इसका फर्स्ट क्राइटेरिया मीट कर रहा है। अब दूसरा है रिजर्व प्लस सरप्लस। तो रिजर्व प्लस सरप्लस अगर 5 साल पहले का देखें तो 5,300 करोड़ है और ये बढ़ते हुए आज 9,800 करोड़ है, मतलब इस कंपनी का रिजर्व प्लस बैंक बैलेंस बढ़ते क्रम में है, जो बहुत अच्छी कंडीशन है। अब तीसरा है इसमें बोरोविंग्स। तो बोरोविंग्स अगर देखें 5 साल पहले तो ये 36 करोड़ का था और आज ये बोरोविंग्स घट के लगभग 0 के आसपास हो गया है। तो बोरोविंग के फ्रंट में भी ये बहुत अच्छा से मीट कर रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कंपनी हमारे सातों पैरामीटर को बहुत अच्छे से मीट करती है। इसमें सिर्फ थर्ड पैरामीटर जो कि है PE रेशियो, वो बता रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें, उसके बाद निवेश करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का अगर हम निर्णय लेते हैं तो ये एक वैल्यू बाई है और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है और ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया निर्णय रहेगा। तो इसको हम चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ये एक वैल्यू बाई है।
यहां तक साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.